It's all about humanity. नमस्कार दोस्तों, नेचर इंडिया स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको कोई नया चारा बताने वाला नहीं हूँ। आज के वीडियो में आप उसी चारे को देखेंगे जो मैंने कई महीने पहले आपको बताया था, जिसमें मैंने आपको पार्ले जी से चारा बनाकर दिखाया था। उस वीडियो को देखने के बाद कई सारे लोगों ने यह कमेंट किया कि उस चारे से मैं मछली पकड़कर दिखाऊं। तो दोस्तों, उन्हीं सवालों को मद्देनजर रखते हुए मैं यह वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें मैं आपको पार्ले जी से चारा बनाकर दिखाऊंगा भी और उससे मछली भी पकड़कर आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि इससे कौन सी मछली आती है। तो सबसे पहले हम चारा बनाएंगे। चारा मैं आपके सामने ही बनाऊंगा, जिससे कि आप यह ना कह सकें कि मैंने किसी और चारे से मछली का शिकार किया है। इसलिए पहले मैं जल्दी जल्दी से चारा तैयार कर लेता हूं, उसके बाद मैं आपको इससे मछली पकड़कर भी दिखाऊंगा। तो चलिए चारा बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, इस चारे को भी मैं उसी तरीके से बना रहा हूं जो मैंने कई महीने पहले बनाकर दिखाया था। इसमें मैंने गेहूं का आटा यूज किया है, इसमें थोड़ा सा हल्दी भी मैंने डाला है और ये दो पार्ले जी बिस्किट लिया है। इसके बाद मैंने ये हींग वाला पानी भी तैयार करके रखा हुआ है, जो लगभग मैंने 30 मिनट पहले ही तैयार किया है। तो चारा बनाने के लिए सारी सामग्री जो लगती है वो मैंने तैयार करके इस प्लेट में रख लिया है। अब हम इससे चारा बनाना शुरू करते हैं। तो चलिए मैं जल्दी जल्दी से चारा तैयार कर लेता हूँ, जिससे आप यह ना कह पाएँ कि मैंने किसी और चारे से मछली का शिकार किया है। तो दोस्तों, चारा तो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुका है। अब कुछ बाकी है तो इस चारे से मछली का शिकार करना, जिसके लिए हमें चलना होगा तालाब पर, जिससे कि मैं आपको इस चारे से मछली का शिकार करके दिखा सकूं और आपको विश्वास हो जाए कि यह चारा कितना ज़्यादा कारगर है। तो चलिए मछली पकड़ने के लिए चलते हैं तालाब की ओर और पकड़ते हैं इससे मछली, और यह भी देखते हैं कि इसमें कोई मछली आती है या नहीं, और अगर आती है तो वह कौन सी मछली आती है। तो चलिए इसके लिए चलते हैं तालाब की ओर। तो दोस्तों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैं मछली पकड़ने के लिए तालाब पर आ चुका हूं, और मछली को पकड़ने के लिए मैं जो अपने हाथ से फिशिंग रॉड बनाया था उसी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसे मैंने हाथ से ही बनाया है। इस पर भी मैंने एक वीडियो तैयार कर लिया है जो जल्दी ही आपको मिल जाएगा। दोस्तों, मछली का शिकार करने के लिए मैं मीडियम साइज वाले हुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इस मीडियम साइज वाले हुक को इस्तेमाल करने के पीछे मेरा एक ही कारण है कि इससे छोटी और बड़ी दोनों तरह की मछलियाँ आसानी से आ जाती हैं, इसलिए मैं मीडियम साइज वाले हुक का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बेट तो मैंने उस वीडियो में आपको लगाकर दिखाया ही था, लेकिन इस वीडियो में भी मैं आपको बेट लगाकर दिखा देता हूं कि किस तरह से बेट को कांटे में लगाते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि मैंने काजू के आकार का कुछ इस तरीके से बेट को कांटे में लगा लिया है, जिससे कि मछली का शिकार किया जा सके। तो इस तरह से आपको भी हुक में बेट लगाना है, इससे रोहू ग्रास जैसी मछलियाँ आसानी से पकड़ कर आती हैं। यहाँ एक बात का ध्यान और देना है कि हमें फ्लॉट भी लगभग 1 से 1.5 मीटर का सेट कर लेना है, जिससे कि यह गहराई के उस भाग में पहुँच सके जहाँ रोहू और ग्रास जैसी मछलियाँ रहती हैं। तो फ्लॉट भी मैंने पहले ही सेट कर लिया है। अगर आप फ्लॉट वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने उस पर एक अलग से वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसके जस्ट नीचे ही आपको पार्ले वाले चारे का लिंक भी मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को भी अभी तक नहीं देखे हैं तो उसको भी वहां से देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैंने हुक में तो बेट लगा लिया है और प्लॉट को भी सेट कर लिया है। अब इसको डालते हैं हम तालाब में। यहां मैं आपसे एक बात और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि मैं जिस स्थान पर बेट को डाल रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लगभग आधे घंटे पहले चराई लाकर फेंका था, जिससे कि तालाब की मछलियाँ यहाँ पर आकर इकट्ठी हो जाएं और मैं उसका शिकार आसानी से कर पाऊँ। तो इस तरह से आपको भी
शिकार करने से लगभग आधा घंटे पहले ही चराई लाकर डाल देना है, जिससे कि शिकार करने में कोई परेशानी ना आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि मैं बेट डाला हुआ हूँ, अब देखते हैं कि कौन सी मछली आती है। और दोस्तों, शिकार करना तो आप कांटे से जानते ही होंगे कि किस तरह से कांटे से शिकार किया जाता है, कि जब तक फ्लॉट को मछली पूरी तरह से डुबाने ना लगे तब तक हमें अपना कांटा नहीं निकालना चाहिए। तो इस तरह से मैं भी शिकार करूँगा। दोस्तों, वीडियो में आपने देखा कि किस तरह से फ्लॉट को मछली डुबाने लगी थी, जिससे मैंने अपना कांटा तालाब से निकाला, और रिजल्ट तो आपके सामने मौजूद ही है कि मैंने इस चारे से पहली बार में ही रोहू मछली का शिकार कर लिया है, जिसे आप लाइव वीडियो में देख ही रहे थे। तो दोस्तों, यह देखकर आपको पता चल ही गया होगा कि यह चारा कितना ज़्यादा कारगर है रोहू मछली का शिकार करने के लिए। तो दोस्तों, इसी तरह से मैं आगे भी इसी चारे से और भी मछलियों का शिकार करके दिखाऊंगा। वैसे मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, जिसमें मैंने आपको लाइव रोहू मछली का शिकार करके दिखाया? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग जान सकें कि जो चारा मैंने बताया है वह चारा कितना ज़्यादा कारगर है। और साथ ही, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे कि आगे आने वाला नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।